दुष्कर्म ने कई लोगों को कुचल दिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से यह तस्वीर सामने आई है जहां बेकाबू थार ने कई लोगों को कुचला है, जिसमें एक महिला समेत 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 15 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया है, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मेले में दबंग थार का मालिक लगातार जमकर हुड़दंग मचा रहा था। जब लोगों ने रोका, लोग इसको रोकने के लिए खड़े थे, तो इसने लोगों पर थार चढ़ा दी। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेज रफ्तार कार का कहर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। अमरोहा की दरअसल एक मेला लगा हुआ था और इस मेले में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे और जो लोग मेला देखने के लिए पहुंचे थे उनको दिक्कत हो रही थी। ये शख्स जिस तरह से दबंगई दिखा रहा था अपनी थार लेकर, जब लोगों ने इकट्ठे होकर इसको रोकने की कोशिश की तो इसने उन लोगों पर जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है। 12 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से दबंगई, इस तरह से लोगों को परेशान करने वाला ये शख्स कौन है और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमरोहा प्रशासन कर रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे लोग पीछे इसकी गाड़ी के भाग रहे हैं इसे पकड़ने, इसे रोकने के लिए। लेकिन इस शख्स पर ऐसा भूत सवार है अपनी गाड़ी का, अपने रसूख का, अपने पैसे का, कि आसपास के लोगों को तिनके की तरह समझ रहा है और ये लोगों पर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। चार पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और अब बात कर लेते हैं शिकंजे में खूंखार आदमखोर की और आपको बताएंगे कि किस तरीके से 5वें भेड़िए को पकड़ लिया गया। दरअसल अभी भी 6ठा भेड़िया पकड़ में नहीं आया है लेकिन 5वें भेड़िए को जरूर पकड़ लिया गया है। बहराइच में लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश यही है कि जो 6ठा भेड़िया है उसको भी पकड़ा जाए। आपको बताएं कि 500 वन कर्मियों ने मिलकर, 500 लोगों की टीम ने मिलकर इस 5वें भेड़िए को पकड़ा है। वही वन संरक्षिका रेणु सिंह ने भी जानकारी दी और बताया कि इतना आसान नहीं था इन भेड़ियों को पकड़ना, क्योंकि पहले 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका था, एक ही जगह पर ज्यादातर इनको पकड़ा गया है। और 5वें भेड़िए को जब पकड़ा जा रहा था, जब ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो ये भेड़िए इतने स्मार्ट हो गए थे कि ड्रोन को देखते ही भाग जाते थे। इस वजह से स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा और जब स्ट्रैटेजी चेंज की तब सफलता हाथ लगी और वन विभाग ने 5वें भेड़िए को भी पकड़ लिया है और सफलता हासिल कर ली है। लेकिन अभी भी ये ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, 6वें भेड़िए की तलाश जारी है। तो 5वां भेड़िया शिकंजे में है, लेकिन अब जो है चुनौती है वन विभाग के सामने वो ये कि लंगड़ा भेड़िए तक पहुंचा जाए। लेकिन 5वें भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दें कि 500 लोगों की टीम लगातार मुस्तैद थी और कोशिश ये जारी थी कि 5वें भेड़ियों को पकड़ा जाए और आखिरकार आज सुबह उसे पकड़ लिया गया है। शिकंजे में वो आ चुका है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लोगों का जो खौफ है वो अभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि सरदार भेड़िया से पकड़ना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये काफी चालाक है, चतुर है और यही वजह है कि बार बार वन विभाग की टीम को चकमा देता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 5वें भेड़िए की तस्वीर है जिसे आज पकड़ लिया गया, जिसे काबू कर लिया गया है। खाने वाला भेड़िया धरा गया। रात में जब सब सो जाते थे, माँ के पास से उठा ले जाता था बच्चा। जंगल में ले जाकर बनाता था निवाला। कैद में आया बहराइच का 5वां आदमखोर। तो आप भी देख लीजिए जंगल के सबसे बड़े शिकारी को, रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बच्चों को निवाला बनाने वाला खूंखार शिकारी आज कैद हो गया है। ये वही खूनी भेड़िया है जो रात में अपने झुंड के साथ शिकार पर निकलता था और माँ के पास सो रहे बच्चे को दबे पांव आकर
और अपने खूनी जबड़े में दबाकर उठा ले जाता था और फिर जंगल ले जाकर अपनी भूख मिटाता था। लेकिन ये चालाक भेड़िया देर सवेर ही सही, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही गया। ये इतना बड़ा शातिर शिकारी है कि इसे पकड़ने में वन विभाग की टीम के भी पसीने छूट गए। लेकिन बहराइच का ये खूनी भेड़िया अब शिकंजे में है। आप भी देखिए कैसे फड़फड़ा रहा है, पिंजरा तोड़कर ही भाग जाना चाहता है। और ये इतना बड़ा शिकारी है कि अगर इसे जरा सा भी मौका मिल गया तो ये किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि भेड़िया जंगल का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे किसी की कैद में रहना पसंद नहीं, और इसलिए ये शिकारी आजाद रहना ही पसंद करता है और अपनी आजादी के लिए किसी को भी मार सकता है। आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके बगमास को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया। फिर ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। जब फाइनल हम लोग ऑपरेशन करने लग गए तो ड्रोन को हमने रोक दिया, बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पगमार्क से भी लोकेशन मिल गया था, और फिर हमने उसको पिक कर लिया। बहराइच के लिए आज राहत भरी खबर है कि 5 भेड़ियों को मौत का साया बनकर जंगल में घूम रहे थे वो अब पकड़ लिए गए हैं। 4 भेड़िया अगस्त महीने में ही पकड़ लिए गए थे, वही 5वां भेड़िया मंगलवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में फंस गया। लेकिन दहशत अभी भी थमी नहीं है, क्योंकि भेड़ियों का सरदार अल्फा भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है और उसी ने गांव वालों की दिन रात की नींद उड़ा रखी है। 2 भेड़िए हैं अभी भी, मैंने आंखों से देखा। हाँ, सुबह ही प्लान बनाएंगे कि कहाँ पकड़ा जाएगा, इतनी देर तलाश किया जाएगा। खूंखार तो है ही है, खूंखार बहुत ज्यादा है, मादी है लेकिन खूंखार है। हाँ, काटने दौड़ती है बड़ी जोर से। यही खतरा कर रही थी लगातार? नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है। एक गिरोह में था और गिरोह का कुन्ने सरदार, कैसा लग रहा है? ये तो लग रहा है कि ये खाया है कुछ, खतरा किए है ये भी कुछ। ये खतरनाक जानवर पकड़ लेंगे, यह है और ही अभी एक बच्चा है लेंगड़ा, उका पकड़े तो और राहत मिली। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जान ले गांव वालों को राहत मिल गई, सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। आज बहुत बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत। अभी जंगल में 1 से 2 भेड़िए खुला घूम रहे हैं और जब तक भेड़ियों का सरदार लंगड़ा भेड़िया नहीं पकड़ा जाता तब तक दहशत बरकरार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच से मीनाक्षी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर 5 भेड़ियों को पकड़े जाने के बाद लोगों में खुशी तो है लेकिन एक डर का माहौल भी है कि एक आखिरी भेड़िया जो बचा हुआ है उसे वन विभाग जल्दी से जल्दी पकड़ ले, क्योंकि ये अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। अपने साथियों की तलाश में ये इधर उधर भागते हुए लोगों पर हमले और बढ़ा सकता है, इसकी आशंका लोग जता रहे हैं। बहराइच में खौफ मचाए हुए आदमखोर भेड़ियों को कैद करने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 5वें भेड़िए को कैद कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से पिंजरे में कैद किया गया है, जहां पर अभी रखा गया है वन विभाग के ऑफिस में और यहां से जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी सफलता वन विभाग के हाथ लगी है। 6 भेड़िए बताए जा रहे थे जिसमें से 5 को कैद कर लिया गया है। 6वें भेड़िए की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ जो है वो लोगों के मन में कम हुआ है 5वें भेड़िए की गिरफ्त में आने के बाद। बताया गया वन संरक्षक रेणु सिंह के द्वारा कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि एक बकरी को भेड़िया लेकर के गया है, उसके बाद उसे ट्रैक किया गया था और जाल बिछा करके फंसाया गया, जिसके बाद अब वन विभाग की टीम उसे वन मुख्यालय लेकर के आई है और यहां से जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये रिपोर्ट मीनाक्षी की आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं। वन संरक्षक रेणु सिंह लगातार मौके पर मौजूद हैं, वो भी जानकारी दे रही हैं। उन्होंने बताया कैसे ये भेड़िए बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए अब स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ रही है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। मुख्य वन संरक्षिका रेणु सिंह हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। 5वां आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है, किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया? कल शाम को ये सूचना मिली थी कि नथुआपुर में इसने एक बकरी के बच्चे को उठाया था, उसके बाद इसके पगमार्क्स मिले थे, स्कैच मिले थे, इसके पगमार्क्स को भी हम लोगों ने इसको ट्रेस किया
और उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से भी इसकी लोकेशन को ले लिया था। चूंकि रात हो गई थी इसलिए लेट नाइट हम लोग ऑपरेशन नहीं चला सकते थे, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने पूरी टीम को भेज करके, अजीत जो हमारे DFO हैं वो, उनकी पूरी टीम ने जा करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस भेड़िया को रेस्क्यू किया। जिस एरिया से हरबक्सपुरवा से इसे पकड़ा गया है, कैद किया गया, वहाँ से 4 भेड़िए और पकड़े गए थे, क्या छठवां भेड़िया भी वहीं हो सकता है? इनका घर क्या इन्होंने वहीं बना रखा है? देखिए, यहाँ जनरली एक होमिंग टेंडेंसी होती है हर एनिमल की, इंसान की भी होती है, हम सब घर घर जाते हैं, तो वो इलाका जो है वहाँ पे टापू जैसा इलाका है, वहाँ पे इनको कई बार देखा गया है एंड इट्स ईजी कि उनको वहाँ से, हम लोग उनको देख पाए वहाँ पे और इनको ट्रैक करके हमने वहाँ से इनको पकड़ा।